भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मांडव्य ऋषि पुण्यभूमि सकरिया नाडो माड्याद जनतेगे नाना नमस्कार गडो। आदि चुनचुनगिरी मठ के नाना भक्ति पूर्वक नमस्कारो। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रीमान निर्मल कुमार सुराना जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सीपी उमेश जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी, आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है। ये भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है। मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाग जमाई है, भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है। ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना यह साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला। आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है और इसीलिए आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत ने किया क्या था, पिछली हुकूमत ने किन हमारे किसानों के लिए क्या किया था
और कर्नाटक तो इसका जीता जागता उदाहरण है। लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यहां की माताएं, यहां की बहनें खेती किसानों की हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था? उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है। एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है। एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण या भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी, और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आज विकास हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। हर एक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हों, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हों, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है, और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है।
ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है। ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो, यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और उस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में, एक कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। उस गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ने के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मांडिया जनपद में आपने यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिता करके भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एमएलए के रूप में भी यहां शुरुआत की थी और अब मैं आया हूं यहां पर, इन सभी सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह को खिला दीजिए, कमल के सिंबल को एक बार चुनाव जिता करके भेज दीजिए। भाइयों बहनों, मांडिया अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, धन धान्य के लिए समृद्ध था, कृषि के लिए, वानिकी के लिए विख्यात था। फिर से मांडिया के इस गौरव को पुनर्स्थापित करना है, कर्नाटक के इस गौरव को फिर से स्थापित करना है। कर्नाटक विकास की दूरी के साथ देश को जिस प्रकार से एक स्पीड देता है, उस स्पीड के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप यहां पर डबल इंजन की सरकार फिर से लाने में मदद करिए। और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान किया था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी 2024 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का रामलीला विराजमान अपने भव्य मंदिर में होंगे। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होगी। और मैं आप सभी बजरंग बली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं, प्रभु राम के मंदिर में रामलला के विराजमान होने के शुभ अवसर पर मैं आपके स्वागत की उत्सुकता से वहां तैयारी कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी आप उस समय डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। कर्नाटक सरकार ने, बोमई जी ने कहा था कि कर्नाटक के लोगों के लिए एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाना है, हमें स्टेट गेस्ट हाउस बनाना है अयोध्या में, हमने जमीन आवंटित कर दी है, कर्नाटक गवर्नमेंट को जमीन आवंटित कर दी है, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो वहां स्वागत के लिए हूं ही। लेकिन साथ साथ कर्नाटक गवर्नमेंट का भी वहां एक स्टेट गेस्ट हाउस होगा अयोध्या में। और इस दिश से मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, उस अवसर पर कर्नाटक की ओर से आप सबकी उपस्थिति हो, इसके लिए आप कर्नाटक के सभी भाइयों बहनों को आमंत्रण देने के लिए आज मैं इस अवसर पर विशेष रूप से यहां पर आया हूं। एक बार फिर से
भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, आप सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे? इलिना अभ्यर्थी अवरन्नु निवेला इबारी गेली सके बुके भाजपा को चुनाव जिताएंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय भारता जननिया तानु जाते, जय हे कर्नाटका माते, जय कर्नाटका माते, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। न्यूज़ फर्स्ट प्रतीक्षणा।